मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ की तुलना में सुविधाएं और व्यवस्थाएं दम तोड़ने से आए दिन विवाद हो रहे हैं। रविवार को भी 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने से व्यवस्थाएं चरमरा गई। इस दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में लगे मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी को दर्शनार्थ आए महाराष्ट्र के एक परिवार ने पीट दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्मचारी ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की है। जबलपुर में चंद्रिका टावर के सामने स्थित दवा बाजार से लगी एक 4 मंजिला इमारत में सोमवार को आग लग गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। अग्निशमन दस्ते द्वारा आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। इस दवा बाजार में दर्जनों दवा की थोक दुकानें और दवा व्यवसायियों के दफ्तर भी हैं। कर्नाटक के चुनाव नतीजे पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हर प्रदेश में अलग अलग मुद्दे होते हैं। कर्नाटक चुनाव के परिणाम को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हमें करीबी मुकाबला होने की उम्मीद थी, इसलिए कुछ निराशा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। रतलाम में किसान व व्यापारी को अवैध वसूली के लिए धमकाकर अपना दबदबा बनाने का प्रयास करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपितों का सैलाना नगर की सड़कों पर जुलूस निकाला तो रतलाम के चौराहों पर उन्हें देखने लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपित कान पकड़ कर नीचे मुँह करके चल रहे थे। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में सोमवार दोपहर करीब 3:15 बजे तेज हवा के साथ हुई बारिश के दौरान नर्मदा नदी में उठी लहर की चपेट में आने से नाव पलट गई। नाव में गुजरात के 4 श्रद्धालु व 1 बच्चा सवार था। हादसा कोटी तीर्थ घाट पर हुआ। ऊंची उठती लहरों की वजह से नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। बताया जाता है कि वहां मौजूद लोगों और नाविकों की कोशिशों से 2 महिला और 1 पुरुष को बचा लिया गया। वहीं 1 पुरुष और बच्चा लापता हो गए। बाद में बच्चे का शव मिला। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।